ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मणिपुरा अंबेडकर पार्क में सैकड़ों लोग पहुंचे। करीब 2 घंटे के चले इस कार्यक्रम में प्रीतम लोधी के पुत्र राकेश लोधी ओबीसी महासभा में शामिल हुए हैं, जिन्होंने ओबीसी महासभा और एससी एसटी वर्ग के साथ मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में लोगों ने पाखंडवाद के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं मंच से प्रशासन पर लगातार ओबीसी महासभा भीम आर्मी के लोगों पर प्रशासनिक कार्यवाही का डर दिखाने के आरोप लगते रहे। लोधी समाज ने नेताओं ने लगातार समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर आपत्ति भी उठाई है। कार्यक्रम के अंत में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम ज्ञापन सौंपा है। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। आरोपी अरुण मिश्रा की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अगर यही कोई आरोपी ओबीसी का होता तो अभी तक उसका मकान तोड़ दिया जाता। ऐसी शिवपुरी में घटना हुई, इंदु कुमार मेघवाल की जालौर में जो घटना हुई, इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और प्रदेश में ओबीसी महासभा जगह जगह आंदोलन कर रही है, जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक ओबीसी महासभा उग्र आंदोलन करती रहेगी। चाहे पुलिस प्रशासन और शासन कितनी भी FIR करते हैं, क्योंकि हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। ये तो हमारा अभी छोटा सा कार्यक्रम है, अभी हम बहुत जल्द शिवपुरी में 1 लाख लोगों की संख्या को लेकर आंदोलन करेंगे। जब तक हमारे लोगों पर अत्याचार होता रहेगा तब तक ओबीसी महासभा लड़ती रहेगी और अपनी ओबीसी महासभा अपने हक अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रही है। ये उनकी जो मांगे हैं जो जायज़ हैं, हम लोग जाति की जनगणना को लेकर, 27% आरक्षण को लेकर और SC ST ओबीसी में जो अन्य अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अभी हाल ही में जो प्रीतम लोधी जी के साथ जो घटना हुई, एक पाखंडवाद के खिलाफ जो बोला, पाखंडवाद के खिलाफ बोला, तो यहाँ के जो तथागत नेता हैं, तथागत जो ब्राह्मण पाखंडी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और हमारे नेता को पार्टी से निष्कासन कर दिया। जबकि यही बात अगर कही जाए तो रामेश्वर शर्मा ने छत्री समाज को लेकर एक टिप्पणी करी थी, जिन पर ये कहा गया था कि छत्रियों की जो बहन बेटियाँ हैं वो मुसलमानों को इनने दी थी, तभी अपना राज बचा पाए थे। अरविंद भदौरिया जो कैबिनेट में मंत्री है, उन्होंने यादव समुदाय को लेके 2 कौड़ी का नेता और टुच्चा कहा था। यही जो देशद्रोह की बात करता है गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने बघेल समुदाय को गाली दी। ग्वालियर में सुमन समय पर जो महापौर प्रत्याशी, उन्होंने प्रजापति समुदाय को जो गालियाँ दी। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का ये दोहरा रवैया है। हमारे लोग होते हैं, अगर हमारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं और माफ़ी मांग लें तो उनको निष्कासन कर दिया जाता है। एक जात विशेष के जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, उनका कोई निष्कासन नहीं होता। तो ये पार्टी और BD शर्मा और नरोत्तम मिश्रा यहाँ जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में SC ST OBC इनको सबक सिखाने का काम करेगा। अच्छा, आज आपके पापा को आना था इस सभा में, वो कह रहे हैं यहाँ क्या कारण रहा? उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं, लेकिन आने वाले समय पर अगर लोग बागों को न्याय नहीं मिला तो ये मान के चलिए प्रीतम सिंह लोधी खुद इस फील्ड में उतरेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा आप सोच भी नहीं पाए। कुछ बताते हैं कि जो केस दर्ज होगा इस वजह से डर के चक्कर में कम ताकत प्रशासन द्वारा दबाव उनके ऊपर होने के चलते, प्रशासन द्वारा पब्लिक पे SC ST OBC पे बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की जग चक्कर में लोग वह डट नहीं रहे हैं। पब्लिक फिर भी आ रही है, फिर भी हमारे सपोर्ट में खड़ी है और जिंदगी भर खड़ी रहेगी, हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।